अभी तक ऑपरेशन डिजास्टर शुरू करने के लिए ऑर्डर्स नहीं दिए। यस सर। ऑर्डर्स क्या है? ऑपरेशन डिजास्टर स्टार्ट्स। आरडीएक्स, एम्युनिशन, सब कुछ प्लान के मुताबिक इंप्लीमेंट करो। लेट्स गो। कम ऑन। क्वार्टर से इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। रादर देन कॉन्फिडेंस। ओह माय गॉड। I just can't believe this. So he's the man in uniform. Let's go. Western Express Highway से सारे ट्रकें निकलेंगे. And there should not be any mistakes, okay? फिकर मत करो. ड्रग्स को कोई चेक नहीं करेगा. चेक ना के पे ड्रग्स को कोई चेक नहीं करेगा. सारा का सारा माल गोडाउन नंबर 16 में खाली किया. और जो माल रेलवे वैगन में आ रहा है उस पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का सील होगा और वो पूरा माल रेलवे यार्ड में अनलोड होगा। करेक्ट। ऑपरेशन डिजास्टर स्टार्ट्स। लेट्स मूव। बैठकर अपनी जिंदगी की किताब लिखेगा। बहुत सारे पन्ने भरने हैं तुझे, बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं। सत्य हो मेरी तरह, आखिर मेरे ही बेटे हो। नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं यशचंद्र ठकराल। कोई खून का रिश्ता नहीं है तेरा और मेरा। हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है यशचंद्र ठकराल, जो एक मुजरिम का कानून के साथ होता है। अपने दिल से गलत फैमिली निकालता हूं। मैं तुम्हें कभी अपना बाप नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। हकीकत को तुम झुठला नहीं सकते। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी रगों में मेरा खून बह रहा है। मेरी अर्थी को तो कंधा तुम ही दोगे। तुम्हारा अग्नि संस्कार होगा म्युनिसिपल के शमशान घाट में, जहां तुम्हें एक लावारिस लाश की तरह फेंक दिया जाएगा। तुमने मेरी मां की हत्या की, न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहा है। खून के एक एक खतरे का हिसाब देना पड़ता है यशचंद्र ठकराल। यहां नहीं फिर कहीं और, लेकिन देना जरूर पड़ता है। काश तुम मेरी जगह होते, मजबूरी समझ पाते। मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी हो यशचंद्र ठकराल, देश के साथ गद्दारी, बेगुनाहों का खून बहाना, इसे मजबूरी का नाम है। तुम्हें गद्दार होने के साथ साथ कायर भी हो यशचंद्र ठकराल। आज जो कानून का फंदा तेरे गले में पड़ रहा है, वो तो तुझे तेरा बेटा याद आ रहा है।
कानून की बात करते हो? रोज मैं कानून बनाता हूं और कानून तोड़ता हूं, और तुम्हारी पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग मेरी एड़ी के नीचे दबे हुए हैं। मैं जानता हूं कि हम में से कोई एक है जो तुम्हारे टुकड़ों में पल रहा है, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। यशचंद्र ठकराल, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे, यहां नहीं तो मेरे रिमांड रूम में। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। तुम्हारे पास वक्त बहुत था यशचंद्र ठकराल, बहुत वक्त था तेरे पास पश्चाताप करने का, अपने गुनाहों को इकबाल करने का। आज तेरे पास वक्त बहुत कम है। टेल मी मैं नहीं मारूंगा यशचंद्र ठकराल, मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। बट आई अरेस्ट यू फॉर द मर्डर ऑफ नम्रता ठकराल, माय मदर। मैं तुम्हें जीत सवरवाल की मौत के लिए गिरफ्तार करता हूं। एंड आई अरेस्ट यू फॉर द किलिंग्स ऑफ ऑल द ब्रेव ऑफिसर्स ऑफ द हेलीकॉप्टर स्कैम। एंड आई अरेस्ट यू फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द नेशन। ये वही आदमी है।
बेकार है डीसी की जरूरत, ये खाली है। ये याज भी रखी गई थी ताकि तुम्हारी उंगलियों के निशान छप जाए। इतना घूर घूर कर क्या देख रहे हो डीसीपी? देख रहा हूं तुम्हारे असली रूप को, मैं देख रहा हूं अजीत पालीवाल। आनंद लाहिड़ी ने सही कहा था कि हम में से ही कोई गद्दार है जो इस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। जयचंद्र ठकराल ने भी बताने की कोशिश की, उसे भी मार डाला तुमने। शक तो कई बार पड़ा तुम करने के लिए, साबित नहीं कर सका। तुम वो इंसान हो अजीत पाल खुराना, जो सत्यमेव जयते का चक्र अपने सिर पर लगाकर इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। कितने सस्ते में बेचती तुमने वर्दी अजीत पाल खुराना? कोई बात नहीं अजीत पाल खुराना, बात हो गया। अब सारी दुनिया तुम्हारा स्त्री रूप देखेगी। तुम यहां से जिंदा बचकर जाओगे तब ना। जिस दिन यह समझ में आया है कि मरने का नाम जिंदगी है, उस दिन से कफन सिर पर बांध कर खातिर को ढूंढ रहा हूं मैं। मारेगा मुझे सलमान। अच्छा बोल, काफी अच्छा बोल रहे। बोलो जितना चाहे बोलो, लेकिन तुम्हारी आवाज तुम्हारे सीने में दम हो जाएगी। मैं तुम्हें मार कर यह साबित कर दूंगा कि तुम ठकराल के बेटे, तुम ही हाई कमांड हो, सांप का बेटा सांप। हाई कमांड मेरी बात मानेगा कौन? अजीत पाल का कौन मानेगा? सारी दुनिया मानेगी। ये मत भूलो कि इस वर्दी में बहुत ताकत है। तुम्हें शायद इसकी ताकत और मेरी हुकूमत का अंदाजा नहीं। ताकत नहीं, कमजोरी। इस वर्दी के जोर पर तुमने बाबू चेना को मार डाला ताकि तेरे खिलाफ गवाही ना दे सके। इसी वर्दी को इस्तेमाल किया था ना मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स के लिए। जाने इस वर्दी के पीछे, इस वर्दी का सहारा लेकर कितने जुर्मों को, कितने गुनाहों को पना दी तूने। नहीं जानत, नहीं। जो सही किया। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इस वर्दी का हमने फायदा उठाया, लेकिन एक मकसद के लिए, इस देश के लिए। हम इस देश को हमारा एक सपना था, हमारा एक लक्ष्य था। बस इतना है कि औरों को मौका मिला, लेकिन इसीलिए मारा ताकि उसकी जबान बंद हो जाए और तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर्स पास करवाए ताकि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन अब तुम हटे और अब तुम्हारे भी बचने की कोशिश। क्यों जहरत खामोश क्यों हो गया? सच्चाई कड़वी लिखने लगी? चिल्लाओ, चिल्लाओ, चीखो और कह दो सारी दुनिया से, कह दो सारी दुनिया से कि अजीत पाल खुराना, अजीत पाल खुराना ही हाई कमांड है। चिल्लाने की अजीत पाल खुराना, आज के बाद वो चिल्लाएगा। रजो ने मुझसे कहा, रजो भी अपने जुर्म का इकबाल किया है। यहां से रिकॉर्ड हो चुका है, बाहर वैन में पुलिस जरत।
पुलिस की गिरफ्त में मैं इतनी आसानी से नहीं आने वाला। तुम्हारी जीत का सेहरा भी अपने सर ले जाऊंगा। अंदर है। ओ बंदा जाओ। आज ही खुलाना। खुराना यशचंद्र ठकराल को गिरफ्तार करते हुए शहीद हो। ऐसा क्यों कहेंगे आप? अगर लोगों को पता चल गया कि इतना बड़ा मुजरिम कानून का रखवाला है तो जनता का इस वर्दी पर से विश्वास उठ जाएगा और हम इस वर्दी के साथ ही हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम इस देश के संविधान और समस्त कानूनों को सही ढंग से लागू करेंगे और हम हमारे सारे हितों की रक्षा करने हेतु करेंगे। भारत देश की अखंडता और उसकी आन बान और शान के लिए अपने प्राण की आहुति तक देने के लिए तत्पर रहेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दे। जय हिंद।